हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन के बारे में और इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है One UI 6.1 अपडेट। तो काफी सारे यूजर के कमेंट्स आ रहे हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको One UI 6.1 का जो अपडेट है वो इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, One UI 6.1 अपडेट के अंदर गैलेक्सी AI के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर एड किए जाएंगे या फिर नहीं, अपडेट की साइज है वो कितनी होने वाली है और ये जो अपडेट है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करते रहिए। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे S21 FE स्मार्टफोन के लिए अपडेट रिलीज होता है तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, इंडिया में वैसे सैमसंग की तरफ से One UI 6.1 के जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं काफी सारे स्मार्टफोन के लिए, लेकिन काफी सारे स्मार्टफोन के लिए अपडेट है ना वो यहाँ पर डिले भी हो चुके हैं। सो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सैमसंग के महंगे वाले स्मार्टफोन है ना S सीरीज के, जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे इन सभी स्मार्टफोन के लिए One UI 6.1 के अपडेट नहीं आते हैं। तो S21 FE स्मार्टफोन है उसके लिए भी अपडेट है वो आपको डिले ही देखने को मिलेगा। इस मंथ के अंदर सैमसंग की जो S22 सीरीज है उसके लिए अपडेट आना था। दो सैमसंग के और महंगे स्मार्टफोन है Z Fold 4, Z Flip 4, इन दोनों के लिए भी अपडेट आना था, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो चुके हैं और अब ये जो अपडेट है वो मई मंथ के अंदर आएंगे इन सभी स्मार्टफोन के लिए। तो S21 FE जो स्मार्टफोन है ना, जिसके लिए मई मंथ के अंदर अपडेट आना था, अब शायद से हो सकता है आप लोगों को मई मंथ के अंदर अपडेट है वो देखने को ना मिले, आप लोगों को डायरेक्ट जून मंथ का यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से जो कंप्लीट वर्क है ना वो अभी तक यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो गाइस, आप लोगों को वेट करना है जून मंथ का। जून मंथ के अंदर S21 FE स्मार्टफोन के लिए आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लो अगर सैमसंग की तरफ से टेस्टिंग है वो जल्दी खत्म कर दी जाती है, जल्दी कंप्लीट कर दी जाती है, तो आप लोगों को मई मंथ के एंड में भी जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। बाकी जो रेगुलर सिक्योरिटी पेज लेवल के अपडेट्स है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहे हैं और उनकी भी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं गैलेक्सी AI की जो फीचर्स हैं वो आएंगे या फिर नहीं। तो गाइस, इसके ऊपर सैमसंग की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं आया है, तो ये बताना मुश्किल है थोड़ा कि फीचर्स आएंगे या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको गैलेक्सी AI की जो फीचर्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर फीचर्स मिल भी जाते हैं ना तो ओनली एक से दो बड़े फीचर्स है वही मिलेंगे, कंप्लीट गैलेक्सी AI के फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेसर है ना वो इतना कैपेबल नहीं है कि ये सभी फीचर्स हैं वो एक साथ में इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर वर्क कर सके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस डिवाइस के लिए अपडेट कब तक आएगा, गैलेक्सी AI के फीचर्स मिलेंगे या फिर नहीं। तो अगर मान लो गैलेक्सी AI के फीचर्स आते हैं एक से दो, तो अपडेट की साइज होगी 2.5 GB के एप्रोक्स। अगर फीचर्स नहीं आते तो आप लोगों को 1.5 GB के एप्रोक्स अपडेट की टोटल साइज है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे इस डिवाइस के रिगार्डिंग कोई नई इन्फॉर्मेशन है वो सामने निकल के आती है, वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, और सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।